नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 27वां रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों मुंबई के खिलाफ मुकाबला हार जाने के बाद चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुए भावुक और बताई इस मुकाबले में हार की एक बड़ी वजह, जिसे जानकर पूरा देश रह चुका है हैरान। जी हाँ दोस्तों, धोनी का यह बयान सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे, लेकिन उससे पहले आप हमें बताएं कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से किस खिलाड़ी को आप आईपीएल का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हो? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2021 का 27वां और सभी क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कन रोक देने वाला मुकाबला क्रिकेट के हिटमैन माने जाने वाले रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में मुंबई की तूफानी बल्लेबाजी और कायरन पोलार्ड के हैरत अंगेज पावर हिटिंग ने इस हारे हुए मुकाबले को मुंबई की टीम को अंतिम गेंद में जिता दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई की टीम को अंतिम चार ओवर में 50 रनों की आवश्यकता थी। एक समय पर यह मुकाबला मुंबई हारती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन पोलार्ड ने अंत में 34 गेंदों में 87 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेली, जिसकी बदौलत मुंबई की टीम 4 विकेट से यह मुकाबला जीत गई। दोस्तों एक समय पर धोनी की चालाकी और सही फील्ड प्लेसमेंट के चलते चेन्नई की टीम इस मुकाबले में मुंबई की टीम से कई ज़्यादा ऊपर चल रही थी, लेकिन अंत में चेन्नई के खिलाड़ियों से भी कई ज़्यादा बड़ी गलतियां हुई, जिसका खामियाजा महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई की टीम को अंत में भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों मैच खत्म हो जाने के बाद जब धोनी को मैच हारने की असली वजह पूछी गई तो उन्होंने भारत को हैरान करने वाली बात सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि ऐसा T20 का मुकाबला मैंने अब तक अपने करियर में कभी नहीं देखा। इस मुकाबले में हमारे बल्लेबाजों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है और वहीं गेंदबाजी में भी हमने सटीक गेंदबाजी करी, लेकिन मुझे इस मुकाबले में हमारी फील्डिंग में बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलतियां देखने को मिली। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला हम पारी के 18वें ओवर में ही ख़त्म कर सकते थे। उन्होंने कहा कि जब पारी के 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर पोलार्ड का कैच हमारी टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी ने छोड़ा, वहीं पर हम यह मुकाबला हार गए थे। जिस तरह पोलार्ड बल्लेबाजी कर रहे थे उस हिसाब से वह हमें ज़्यादा मौके नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी एक गलती हमारी टीम को इस मुकाबले में जीत दिला सकती थी। लेकिन हमारी टीम के सबसे बेहतरीन फील्डर फॉफ डुप्लेसिस ने वह कैच छोड़ दिया, जी हाँ, जिसका खामियाजा हमारी टीम को भुगतना पड़ा। अगर पोलार्ड वहीं पर आउट हो जाते तो मुंबई को यह मुकाबला हम जीतने नहीं देते, लेकिन उस बड़ी गलती ने इस मुकाबले को हमसे छीन लिया। दोस्तों आप महेंद्र सिंह धोनी की इस बात से कितने सहमत हो और आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।